इतना कुछ सुनने के बाद मैं यहाँ बिल्कुल नहीं ठहर सकता। जितना सलीम को मैं जानता हूँ तो वो ताइफ के जरिए इस बात को छुपा देगा। आप सच कहते हैं शहजादे, क्योंकि अगर ये आका की समाज तक पहुँच गया तो ये शहजादे सलीम के लिए ठीक नहीं होगा। तो फिर तैयारी शुरू कर दें लाला मुस्तफा, मनीषा जा रहे हैं हम दोनों। मैं खुद ये हल कर लूंगा शहजादे, मगर आप रियासत से कदम बाहर ना जाएं। माज़अल्लाह, अगर आका ने सुन लिया तो आपके हक में बेहतर नहीं होगा। अगर सलीम मनीषा से निकाला जाएगा तो उस पर पहला वार मैं खुद करना चाहता हूँ। आका और वालिदा ने किसे मुंतखब किया है मैं ये साबित कर दूंगा। Ben hep böyle teknelerde yıkandım. Venedik'te birçok sarayda vardır. Daha önce hiç görmemiştim böyle bir şeyi. Hayli keyifliymiş. Ben daha neler göstereceğim sana. मलिका, कहाँ है सुबल, कुछ मालूम हुआ क्या? बाजार गए हैं मलिका, उन्हें भी इसी वक्त जाना था। बस करो खातून, क्या हुआ है? अंताकिया से जिनको आना था वो मेहमान आ गए हैं, फातिमा सुल्तान के साबिक शौहर। मरमर महल भेज दिया गया है, आपके मुंतजर हैं। आला, लुकमान को खबर दो वो मेरे साथ जाएगा। लिबास लेकर आओ मेरा। कसम से कई रोज से महल से बाहर नहीं निकल सका, दुनिया तो यहीं पर है। जोहर खातून, क्या उसने इत्तफाक है, फिर से मुलाकात हो गई हमारी। कहीं तुम मेरा ताकुब तो नहीं कर रही थी? देखना तो चाहती थी आपको, लेकिन ताकुब हर किस नहीं कर रही थी। हाँ, मैंने दुआएं जरूर मांगी थी आपको देखने के लिए। मेरे रब को रहम आ गया मेरे हाल पर। मुझे अभी और कपड़ा खरीदना है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पास जितना कपड़ा है वो मुझे फरोख्त कर दो। बिल्कुल नहीं पाशा, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मकसद आपको कपड़ा बेचना नहीं। दरअसल मैंने आपको मिठाई खिलाने का वादा किया था ना। जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं, मैंने आपसे वादा किया था। अगर ऐसा है तो यहाँ कुदरत साहब रहते हैं, उनके पास छोड़ देना, मैं ले लूंगा। ताजा मिठाई नहीं खाएंगे तो मजा नहीं आएगा। मेरे घर चलिए, मैं आपको अपने हाथों से बनाकर पेश करूंगी। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, नहीं दरअसल वो और नए कपड़े भी आए हैं, आपको वो भी दिखा दूंगी मैं। शहजादे को छोड़कर आना इतना आसान नहीं था। ज्यादा वक्त नहीं है, अगर ये बात किसी ने सुन ली तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चलो फातिमा सुल्तान ने अपनी हमशीराओं के नक्श कदम पर चलकर आपको अपना दुश्मन समझ लिया है मलिका, लेकिन उनका असल मकसद शहजादे मुस्तफा की तख्त नशीनी है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं जानती हूँ ये सब कुछ। पाया तख्त आने से पहले वो अमलसिया ऐसी ले गई थी। मुझे इसकी खबर नहीं थी।
तो ये मकसद है उसका। मुस्तफा पाशा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सुन चुकी हूं मैं। लगता है कि आपकी सबका सोचा फातिमा सुल्तान ने बहुत दुख दिए हैं आपको। वो सब मेरे लिए नाकाबिल बयान है मलिका, इसके बावजूद भी मैंने कभी उनकी हुरमत में कमी नहीं आने दी। मैं आपके लिए कोई रास्ता तलाश करूंगी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कुछ लेना है तो ठहर जाएं, अभी सामान रख रही हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। आपके साथ जो हो मैं जानती हूँ। शोहर खो चुकी है आप अपना। कौन है आप? शहजादे सलीम की मंजूर नजर। मेरा नाम नूर बानो है, आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। कैसी मदद? आप यहाँ पुरसकून रहे, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अल्लाह सबर दे आपको, आपका दुख गहरा है मुझे एहसास है, लेकिन जिंदगी का सफर चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। आपकी औलाद भी है, आप अपना नहीं तो औलाद का सोचिए, उनके लिए जिए। अपनी जान नहीं थी, इसका सबब मेरी औलाद ही है। बिल्कुल ठीक है, आपने अकल इस्तेमाल करें। शहजादे की शिकायत करके क्या हासिल होगा आपको? कौन जरूरत कर सकता है उन्हें सजा देने की? शहजादे हैं वो, खुद एक सल्तनत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका। मैं इसके सिवा क्या करूं? मेरा शौहर मर गया, कौन मदद करेगा मेरी? अगर आप अपनी शिकायत वापस ले लेंगी तो मैं आपकी मदद करूंगी। आपकी तमाम जरूरियात को मैं पूरा करूंगी, कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगी, और ना ही आपकी औलाद कभी भूखी रहेगी। नहीं, कैसे यकीन करूं तुम्हारा? अभी कल ही एक आगा आया था, मुझे मारने की धमकी देकर गया है। मेरा नाम नूर बानो है, जो वादा करती हूँ उसे पूरा करती हूँ। ठीक है आप? कोई तकलीफ तो नहीं? हाँ ठीक हूँ जहांगीर, अब तुम ना शुरू हो जाना। वैसे भी इस ज़ियाफ़त की क्या जरूरत थी मैं समझी नहीं, जो सुनेगा समझेगा मौत के मुंह से वापस आई हूँ। रस्तम पाशा की हालत देखकर मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, आपने उन्हें रोक लिया। फातिमा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मेहरमा, सेहत याब देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। हुरम, शहजादे आका तशरीफ नहीं लाए। वो कुछ देर में तशरीफ लाएंगे, आप आइए बैठिए। खुशामदीद हुर जहां, कैसी हैं आप? आपको देखकर बहुत खुश हूँ शहजादे। डरा ही दिया तुमने तो मुझे, क्या हुआ? तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? शाही कमरे में ज़ियाफ़त नहीं हो रही है क्या? मैंने सुना तुम बीमार हो तो फिक्रमंद होकर देखने चला आया तुम्हें। माशाल्लाह सेहतमंद हो और बिल्कुल तैयार हो, इत्र भी लगा रखा है, खैरियत तो है, कहाँ का कसद है? ये तुम्हें क्यों बताऊँ मैं, जाओ अपना काम करो। चला जाऊंगा, हुरम सुल्तान ने अगर सवाल पूछ लिया तो क्या कहूंगा उनसे, बीमार हो ये कहूं या तैयार होकर घूमने के लिए कहीं गए हो? अच्छा रुको जरा, बताता हूँ, मुझे बाहर जरूरी काम है, उसे निपटाकर फौरन वापस आ जाऊंगा। देखो तुम हुरम सुल्तान से कुछ भी मत कहना, ऐसे मसले उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। तो मुझे कुछ दो आगा।
काफी है, और लो और लो, अब क्या सारी दौलत तुम भी लुटा दूं मैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। सब ठीक है, रुस्तम दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी सेहतमंदी के बाद वो हर्ज़ेगोविना जाने के लिए दिन गिन रहा होगा। चंद ही रोज में रवाना हो जाएंगे वो। हमारे दिलेर शहजादे कैसे हैं आका? अपनी रियासतों में आफियत से दिन गुजार रहे होंगे। खबर मिलती रहती है मुझे उनकी। मेरी तमन्ना है कि वहाँ अपने अहले खाना के साथ सुकून से रहे। आप बताइए शहजादी, अमस्या से होती हुई यहाँ पहुंची हैं आप? उनके साथ जो हादसा हुआ था उसी के बाईस उनसे मुलाकात करने गई थी। कयाम एक ही दिन का था। मुस्तफा कैसा है? हादसे से बहुत रंजीदा था। आखिर उसकी मंजूर नजर उम्मीद से थी। मुझे यकीन है कि उस पर जुल्म करने वालों को अल्लाह कभी खुशियां नसीब नहीं करेगा। जुल्म करने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। आओ। मेरे आका, अंताकिया के सूबेदार मुस्तफा पाशा तशरीफ लाए हैं। मगर आका, फातिमा मुझे हुरम सब कुछ बता चुकी है। पाशा के साथ तुम्हारे जो भी मसाइल हैं उन्हें मजीद बढ़ने से पहले हल कर लो तो बेहतर है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। आने दो। मेरे आका, खुश आमदीद जोर खातून। दरवाजे पे खड़े ना रहे, एक बेवा औरत हूँ, कोई देख लेगा। अंदर चले। तुम घबराओ नहीं, दबे पाऊँ आया हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा। आए पाशा, आए तशरीफ रखे। शुक्रिया लेकिन बैठूंगा नहीं मैं, मिठाई तैयार है तो लेकर चला जाऊंगा। अफसोस की बात है पाशा, आप यहाँ कैसे मिठाई के लिए आए हैं? मैंने इतना बहुत सा खाना बनाया है, पुलाव, यखनी, मिठाई और इसके साथ और भी बहुत कुछ है। जानती हूँ ये आपके लायक तो नहीं, मगर अच्छा ठीक है फिर आए चलिए। आए बैठे, यहाँ तशरीफ रखिए। तुम लोग जाओ। क्या करने आए हो तुम यहाँ? फितना फसाद बर्पा करने से कोई फायदा नहीं होगा शहजादी, सुलह करने आया हूँ। कैसी सुलह पाशा? क्या हमारे दरमियान मुआहदा नहीं हुआ था? हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ है उसे भूल चुका हूँ। आप भी भूल जाए, वापस चले आप मेरे साथ। तुम्हें हुरम ने यहाँ बुलवाया है न? इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। क्या आपकी याद नहीं आ सकती मुझे? तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत लजीज था, कसम से
मुझे बहुत पसंद आया। जरा नवाजी है आपकी पाशा, सच कह रहा हूँ। दरअसल आपको मिठाई कैसी लगेगी मैं इसके लिए फिक्रमंद हूँ। लाओ लाओ। माँ से चाहती हूँ पाशा, उम्मीद है सिर्फ मेरे जज्बात ऐसे नहीं है। मेरे दिल में मुसलसल एक आग सी जल रही है। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो मुझसे शादी कर लें, आज की रात यहीं पर कायम फरमाएं। वो दरअसल मैं मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। जानती जो नहीं जानती वो आपकी रजामंदी है शहजादे। फिर आप अपने दिल की आवाज सुनिए शहजादे, आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। आगा। आओ। खैर तो है रात के इस वक्त? शहजादे ने ये आपके लिए भेजा है। कल तुमसे मिलना चाहता हूं। मुस्तफा पाशा को क्यों बुलवाया तुमने? मैं समझी थी इससे आपको खुशी होगी, क्योंकि एक जमाने में आप उन पर जान देती थी। कम अज कम उनसे बेवफाई करने से पहले। किस बेवफाई की बात कर रही हो? कोई बेवफाई नहीं की मैंने। हकीकत है ये तो। आपके, मेरे और मुस्तफा पाशा के दरमियान कोई राज पोशीदा है। राज नहीं है कोई। पाशा ने इल्जाम लगाया है मुझ पर और तुमने फौरन यकीन भी कर लिया। ये मत समझी कि मुझे ये बात उनसे मालूम हुई है। अगर आप चाहें तो शहजादी, मैंने जिस तरह पाशा को बुलवाया है यहां, उसी तरह उसको भी बुलवा सकती हूँ जिसकी वजह से ये शादी खत्म हुई थी। लगता है कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो गई हो तुम। इस तरह हमला करने का तो यही मतलब है। पहला पत्थर आपने फेंका था शहजादे, दूसरों की तरह
हमला किया था। आपका को बताने का क्या फायदा होगा? मेरे अलावा वो किसी की बात पर यकीन नहीं कर सकते। मैं कह दूंगी ये इल्जाम है। आपका मेरी ही बात पर यकीन करेंगे? अगर यकीन ना किया तो क्या करेंगे? और आका को ये सूरत हाल में बसाते खुद बताऊंगी। देखते हैं क्या होता है इसके बाद। हुरम, अच्छी है या बुरी, तमाम हकीकत असत के मानंद है। अगर इसे जरा सा छेड़ा जाए तो कुल आलम में हंगामा बर्पा हो जाए। हकीकत ऐसा गहरा समंदर है जिसका कोई साहिल नहीं। इस समंदर का पानी अपनी गहराई तक आग से भरा हुआ है। इसकी सब लहरें मोतियों जैसी हैं। है जान वो हकीकत आग की बारिश जैसी है जिसके एक कतरे से कुर्राए जमीन हाकस्तर हो जाए। जिसके एक कतरे से बचने के लिए कितने ही लोग नूह अलैह सलाम की कश्ती पर सवार होने की ख्वाहिश करें और कितने ही गर्काब हो जाएं, अपनी जान आ जाए। मददगार खुदा है, मददगार खुदा है, खुदा ही हमारा मुश्किल कुशा है, खुदा ही हमारा मुश्किल कुशा है, खुदा हमारी मंजिल और उसका हासिल है, खुदा हमारी मंजिल और उसका हासिल है। हर इंसान को खाक से बनाया गया है, हर इंसान की रूह में सूरज की रोशनी मौजूद है। वहाँ कितने ही जोरावर निहायत ताकतवर अफरीत मौजूद है। इंसान जिन अशिया का मतलाशी रहता है वो हर शक्ल, वो हर सूरत, वो तमाम की तमाम अशिया इंसान के जहन में मौजूद रहती है। जब इंसान का दिल रंज और सदमे से भर जाता है दूसरी जानिब से एक फरिश्ता आकर तसलियां देता है। हमारे ख्यालात बीवी मरियम की तरह मासूम होते हैं जिन्हें दुनिया गुना आलूद बना देती है। शब जिस हकीकत को छुपाती है वो क्या है? वो क्या है जो खून आशाम गुंबदों से बारिश की तरह बरस रहा है? कहीं ये मेरा अपना ही खून जिगर तो नहीं? कहीं ये तकदीर तो नहीं? क्या खून की बारिश थम जाएगी या हर चीज को खून में बरकाब कर देगी? तुम दोनों मेरे लिए हमाम तैयार करो। आका किसी भी वक्त मुझे अपने पास बुला सकते हैं। मैं पुरकशिश बनना चाहती हूँ। और तुम बावर्ची खाने खबर भेजो, मेरे लिए खीर बनाए, मेरा दिल चाह रहा है खाने का। करीजों से कहा था इससे बात ना करें, लेकिन फातिमा सुल्तान ने हुक्म दिया था। खातून को इसीलिए हुक्म दे रही है ये। होने दो इसे खुश, क्योंकि ये खुशी आरसी है। फातिमा सुल्तान की तरह इसका अंजाम भी करीब है। आपने ये कैसे कबूल कर लिया शहजादी? पाशा का चेहरा भी नहीं देखना चाहती मैं ये समझ रही थी।
हुरम ने बुलाया है उसे, सिर्फ मुझे यहां से भेजने के लिए उसे इस्तेमाल किया है। पाशा तो ऐसे मसरूर हुए कि बुलावा मिलते ही दौड़े चले आए। हुरम की इफ्शा करने से मैं मजबूर हो गई। वो मुझसे इंतकाम लेना चाहती है, मुझे वापस भेजकर अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करना चाहती है। मुस्तफा पाशा ने अपने गुरूर को खत्म कर दिया और आपको लेने आ गए शहजादी। गुरूर? कैसा गुरूर गुलफाम? वो घटिया और बेशर्म है। बरसों तक जो सलूक उसने मेरे साथ किया है बता दूं तो किसी का सामना नहीं कर पाएगा, मगर देखो तो मैं ही कसूरवार बन गई हूँ। वाह क्या वार किया है, मान गई। तो क्या फिर आप उनके साथ वापस चली जाएंगी? शहजादे, खुशामदीद हुरम। तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ? आप घबरा ना गई हो ये सोचकर आ गई। आपकी रवानगी की तैयारी पर बसाते खुद तवज्जो दे रही हूँ। जल्द से जल्द आपके शयान शान इंजेक्शन के साथ आपको रुखसत करूंगी मैं। मैंने तुमसे कहा था जहां मैं होती हूँ वहां रंज महल की कोई जगह नहीं होती। देख लिया ना तुमने, तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आई। क्योंकि इतने हादसों के बाद तुम्हें इसकी सख्त जरूरत थी। मैं दरअसल आपकी रवानगी के बाद जश्न मनाऊंगी। अगर आपको कोई खास आरज़ू हो तो लास्मन मुझे खबर कर दीजिएगा। रवानगी में तो अभी वक्त है, उस दिन तक कौन जीता है कौन मरता है किसे मालूम हो रहा है। शहजादी, मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे मुझे इस अंधेरी कोठरी से बाहर ले जाने। किसने मदद की तुम्हारी? किसने इजाजत दी तुम्हें बाजार जाने की? खजनफर नहीं है जान फिदा ने, बताओ मुझे। मुझे बताओ खातून, खजनफर ने दी थी ना, इसके सिवा कौन हो सकता है? नहीं, मैं कसम खाती हूँ उसका कोई कसूर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से वहां गई थी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, इसे तो खबर भी नहीं होगी। मुझसे झूठ मत कहो नूर बानो, तुम हरम से अकेली गई थी, मैं इस पर यकीन कर लूंगा क्या? कैसे गई थी ये अहम नहीं, अहम तो इसका सबब है। मैं आपकी खातिर वहां गई थी, अपनी मोहब्बत अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए। तुम होती कौन हो खातून? ये कैसी जुर्रत है, एक औरत होकर तुम मुझे किस तरह बचा सकती हो? मेरा फर्ज तमाम कनीजों की तरह आपकी देखभाल करना है, मैं इसी वजह से यहाँ भेजी गई हूँ। आपको नुकसान देने वाली, आपको दुख देने वाली हर चीज में रुकावट बनने के लिए। क्या कह रही हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? मेरे रब ने। हाथ में रहो नूरबानो, वरना नुकसान उठाओगी जो तुम्हें अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर मुझसे मुंह मोड़ना ही है, अगर मुझे अपने आप से और अपनी मोहब्बत से महरूम करना ही है तो देर मत कीजिए, मार दीजिए मुझे, मेरी जान अभी ले लीजिए। शहजादे, ये पहली और आखिरी खता है गजनफर, आज के बाद कोई खता की तो सर कलम कर दूंगा तुम्हारा। बंद कर दो उसे। अमीरुल बहर पाशा की क्या सूरत हाल है? उम्मीद करती हूँ कि वो हमारी बात जरूर मानेगा। उन्हें दी गई मोहलत कल खत्म हो रही है मलिका, आप कोई शक मत रखिए। यानीचर वाले हादसे में मेरी मासूमियत के मुतालिक और अली आगा की साजिश के मुतालिक वो खुद बताएंगे आका को। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। खैरुद्दीन पाशा इतना तरने वाला भी नहीं।
अल्लाह जाने उनके जहन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। वो अपनी दुख्तर से मोहब्बत करते हैं, उसकी जिंदगी को खतरे में डालेंगे मैं ऐसा नहीं समझता। आगा को समझा दिया था ना तुमने, उस खातून को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचे। मुझे इजाजत दीजिए, अब जाना है मलिका, सफर पर रवाना होने का वक्त आ गया है। महरमा सुल्तान को भी अब तक अलविदा नहीं कह सका। तुम्हारे रास्ते आसान हो रुस्तम पाशा, तकबीर से काम लेना मत छोड़ना। मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई मुसीबत आए। पाशा मोहतरम, शहजादे मुस्तफा ने पैगाम भेजा है, मेहरुन्निसा खातून के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। आमसिया में वो जब तक रहेंगी उनकी जान शहजादे अपने लिए अमानत ख्याल करेंगे। लगता है तुम्हें किसी भी बात की खबर नहीं है दाऊद। गद्दारों ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है और मुझे धमकियां दी जा रही हैं। ये कैसे हो सकता है, क्या आपको इसका यकीन है? रुस्तम नामी 20 यहां आया था, मेरे ख्याल में वो जो कुछ भी कह रहा था वो सच ही था। क्या चाहते हैं आपसे? आका तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। यनीचर वाले हादसे को हफ्ता गुजर चुका है। अब्दुल्ला और अली आगा ने रुस्तम पाशा के खिलाफ साजिश की। मुख्तसर ये कि रुस्तम पाशा मासूम साबित करवाना चाहते हैं खुद को। कहीं ऐसे अली आगा की जान ना चली जाए। असल में शहजादे मुस्तफा पर इल्जाम आयद किया जाएगा क्योंकि वो अली आगा को पहले ही मशकूक बना चुका है आका के सामने। जरा मेरा हाल देखो, एक तरफ बेटी की जिंदगी, दूसरी तरफ शहजादे से मेरी वफादारी। है मेरे रब, ये कैसा मुश्किल वक्त है मेरे लिए। पाशा, पाशा मोहतरम, पाशा मोहतरम, हकीम को बुलाओ जल्दी। आप ठीक तो हैं पाशा? छोड़ दो मुझे। शहजादे उनके पीछे लग गए होंगे। अब्दुल्ला भी वही है, वो किसी भी तरह आपकी दुख्तर को बचा लेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा मैं इन सबको नेस्त नाबूद कर दूंगा। मुस्तफा। वालिदा। मैं तुम्हारे ही मुंतजर थी, कल जब तुम महल नहीं आए। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, चेहरा मुरझाया हुआ है, कोई हादसा हो गया है क्या? नहीं। मेहरुन्निसा कहाँ है? उसे भी नहीं देखा। वालिदा, मैं आपको इत्मीनान देना चाहता हूं, आप जैसा सोच रही हैं उस मसले से मेरा किसी किस्म का ताल्लुक नहीं कोई, और ऐसा मुमकिन भी नहीं। ये उसे भी बता दीजिए, कुछ अर्से अपनी हवेली में कयाम करेगी, फिर मुनासिब वक्त पर उसे पाया तख्त भेज दिया जाएगा। मेहरुन्निसा खातून की हवेली पर सिपाही तैनात करवा दो। जो हुक्म आया साहब। खैरियत तो है अब्दुल्ला, मुस्कुरा क्यों रहे हो? कल मेहरुन्निसा खातून कुछ इस तरह चली गई कि मुझे और मुहाफिजों को भी मालूम ना हो सका। अगर ऐसा है तो तुम हवेली चले जाओ और मुझे फौरन खबर भेजो, शहजादे जानना चाहते हैं कि वो महफूज हैं कि नहीं। कुछ ही देर में चला जाऊंगा, जो कुछ मैंने देखा आप भी मुलाहिजा कर चुके हैं। मेहरुन्निसा खातून जब तक यहाँ रहेंगी शहजादे को भी बेहद मसरूफ रखेंगी ऐसा लगता है। एक कहावत है, जो आंखों से दूर होता है वो दिल से भी दूर हो जाता है। फिनेरी जादे साहब, आप किस कदर और कीमत के हामिल हैं मैं जानता हूं, लेकिन जो अफवाहें मेरी समाज तक पहुंची हैं उनकी असलियत क्या है वो मैं जानना चाहता हूं। खैरियत होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। रुमैली हाकिम अबू सऊद साहब से काफी अरसे से आपके ताल्लुकात खुशगवार नहीं, ये आश्कार है। कहा जा रहा है कि आपने
داروں کے مسئلے کو وجہ نزا بنا کر ان سے دشمنی کر لی ہے، کیا یہ درست ہے؟ آقا، اس حوالے سے مختلف خیالات موجود ہیں. اس کے نتیجے میں کافی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں. اسی باعث وہ ایک طرف ہیں اور میں دوسری طرف. آپ کیسی بات کر رہے ہیں شیخ الاسلام صاحب؟ کس طرح ایک طرف ہیں استاد چلیبی؟ ان کی کافی قربت ہے رستم پاشا کے ساتھ، ان کے درمیان گہرے تعلقات پائے جاتے ہیں. ہمارے حاکم صاحب دربار کا مستقل حصہ ہے اور دربار کو رستم پاشا سنبھال رہے ہیں، ان کی قربت سے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ قاضی حاکم کو اپنے مقام کے اعتبار سے ہر کسی سے فاصلے پر ہونا چاہیے، ورنہ انصاف قائم نہیں رہے گا. رستم پاشا کی صورتحال بالکل واضح ہے، سینکڑوں شکایات موصول ہو رہی ہیں ہر دن. تو پھر آپ کس کے طرفدار ہیں؟ میں تو ہمیشہ دین مبین اسلام اور اسلام کی خدمت کرنے والے خاندان عالیہ کا طرفدار ہوں. رستم پاشا جیسے اراکین سلطنت سے تعصب روا رکھنے والے، نفاق اور فساد برپا کرنے والے، رشوت لینے والوں میں سے نہیں ہوں. اپنی اس بات پر غور کیجئے شیخ الاسلام صاحب، آپ جسے سلطنت کہتے ہیں وہ میں ہوں. میرے انصاف، میرے قانون اور میرے کیے گئے فیصلوں سے کون ہے جو اختلاف کی جرات کر سکتا ہے؟ بتائیے مجھے. ہرگز نہیں آقا. اپنے مقام کے باعث آپ کو نصیحت کرنا میرا فرض ہے. مولانا روم فرماتے ہیں، اگر کسی انسان کو اچھا دوست میسر ہے تو اسے آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ ابو سعود صاحب کو دشمن نہیں بلکہ اپنا دوست بنائیے، بالکل میری طرح. ہماشا، چلو اب جاؤ. مہر ماں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، خدا کا بہت شکر ہے، لیکن خورد و نوش میں آپ کو احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. حکیموں کو تاکید کر دی ہے، آپ کا ہر طرح کا خیال رکھیں گے. کیا یقین کر لیا آپ نے؟ میں بیمار نہیں تھی رستم، بالکل بھی نہیں. میں تو صرف جانے سے روکنا چاہتی تھی آپ کو. اس بہانے کچھ وقت تو مل گیا، اس دن آپ کو جانا ٹھیک نہیں تھا. لیکن آپ کو تو بخار تھا، آپ کی آواز اور چہرہ. بے ذرا نشے کی دوا تیار کروائی تھی اپنے لیے، اس سے انسان بیمار لگنے لگتا ہے. یعنی یہ سب کچھ میرے لیے کیا؟ ہاں بالکل، کیونکہ آپ میرے مجازی خدا ہیں، اس لیے آپ کے وقار کا نقصان میرے وقار کا نقصان ہے. درست، میں اگر کھو گیا تو سب کو نقصان پہنچے گا، سب کو. روانگی کا وقت ہے. اللہ کی امان میں رہیں. اگر ایسا ہے تو پھر کیوں انتظار کر رہا ہے امیر البحر پاشا؟ چلیے ابھی بچا لیتے ہیں آپ کی دختر کو. ایسا کرنا کافی دشوار ہے علی آقا، اور وہ کہاں ہے اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم. ویسے بھی شہزادے ان کا تعاقب کر رہے ہوں گے. ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے یوں نہیں بیٹھیں گے. پاشا، ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ صرف ایک دن ہے، کل صبح تک کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا.
मेरी जान हमेशा आप पर फिदा है पाशा मोहतरम, लेकिन शहजादे को अपने हाथों से यूं खतरे में डालना मुनासिब होगा? और फिर मुखालतिन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या मालूम आपके दुख्तर को सही सलामत वापस कर दिया जाए। दाखिलिया चाहता हूं मैं। तुमने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है मुस्तफा। काफी दिनों से मैं भी देख रही थी, इसी वजह से मैं उसकी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हें काफी दुख पहुंचा है। कहीं मैं मुरे सल्तनत में मसरूफ हूँ वालिदा, इन चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। तुम अपना दिल सबके लिए बंद मत करो, यकीनन एक दिन प्यार की आग तुम्हारे दिल में रोशन होगी, वरना क्या मायने तन्हाई में जिंदा रहने के। अगर तुम चाहो तो महल के कनीजों में से किसी को भी मुंतखब कर सकते हो। शहजादे मोहतरम, अब्दुल्ला यह कैसी गुस्ताखी है, तुम किस तरह अंदर आए हो? माजरत शहजादे, लेकिन आपके इल्म में लाने के लिए एक निहायत अहम मसला है। मेहरुन्निसा खातून के पीछे जाने वाले मुहाफिजों को कत्ल कर दिया गया है। मेहरुन्निसा? वो अगवा हो चुकी है, मुहाफिज की लाश से ये मिला है। क्या हुआ, अगवा कैसे हो गई वो? क्या लिखा है इसमें? इसमें ये लिखा है कि हमारा मसला खिजर खैरुद्दीन पाशा से है, अगर उनका ताकुब किया गया तो वो मार देंगे खातून को। आओ। शहजादे, गजनफर आगा, काजी से मेरी शिकायत करने वाली खातून की क्या खबर है? काजी के पास कब जाना है? जब मामला आपका है तो शहजादे, काजी साहब ने भी कुछ नरमी जाहिर कर दी। तुम लोगों के अलावा और किसे खबर है इसकी? लाला के अलावा किसी को मालूमात नहीं दी गई। लाला ने पहली फुर्सत में खबर भेज दी होगी पाया तख्त। उस वाकये को नजरअंदाज करना हमारे लिए बेहतर होगा, उन्हें यह समझा दिया है, उन्होंने मुझे इसका हक दिया है। वजन पर यह मसला बिला वजह इतना बढ़ गया है, हमें इस मसले में दखल नहीं देना चाहिए था। तुम उस खातून को मेरे पास लेकर आओ, मैं खुद उससे बात करूंगा। जैसे आपका हुक्म। शहजादे। कहो। नूरबानो खातून की हालत बिल्कुल ठीक नहीं, वो कई रोज से जिंदान में है, एक लुकमा भी अपने हलक से नहीं उतारा। उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं। जान फिदा। शहजादे ने मुझे अब तक क्यों नहीं बुलवाया? तुम इंतजार करने पर मजबूर हो, शहजादे का गुस्सा कम हो जाने दो पहले। और कुछ नहीं तो मुझे किसी कमरे में भेज दो, ये तारीकी मार डालेगी मुझे। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम सब पर तुम्हारा एहसान है। अगर तुम ये बता देती कि हमने तुम्हारी मदद की है तो उसी लम्हे हमें यहाँ से निकाल दिया जाता। खुदा के लिए कुछ करो, निकालो मुझे यहाँ से। सब्र करो, मैं तुमसे ये कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम क्या सोचकर गई थी उस औरत से बात करने के लिए? मोहब्बत की वजह से। मैं शहजादे पर जान निछावर करती हूँ, मैं समझ रही थी कि वो भी मेरे दीवाने हो चुके हैं, लेकिन मेरी गलतफहमी थी। रुको, यूं इस तरह फौरन मायूस मत हो तुम, अगर कोई और होता तो उसका बहुत पहले सरकलम हो चुका होता, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब नहीं हुआ। खाना
खाना खा लेना ठंडा होने से पहले। तुम्हारा सामान भी ले आई हूँ। इतनी सारी किताबें पढ़ना चाहती हो तो मैं ये पढ़ने का मशवरा दूंगा। किसकी है ये? मशहूर किस्सा है, लैला और मजनू की मसनवी है ये। मुझे अगर जबान पर उबूर ना होता तो पढ़ना दुश्वार होता। ये हिजान अंगेज इश्क की दास्तान है, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। इश्क की दास्तान है यानी? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। शहजादी, आप जानती हैं कि आपके जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा? खुर्रम सुल्तान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। परेशान न हो खातून, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम इस जहां के सुल्तान की मंजूर नजर हो। शहजादी, खातून हक पर थी, हुरम जालिम है। इस बेचारी लड़की और इसके होने वाले टिकल को जरूर खत्म करवा के रहेगी। आपका यहाँ रहना शर्त है। मैं जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगी। वो तिफल बहुत आम होगा गुलफाम, और अगर वो शहजादा हुआ तो वो इंशाल्लाह हुरम की सल्तनत को खत्म कर देगा। मैं भी इसी वजह से कह रही हूँ ये सब। अगर आपका ताल्लुक बेहतर हो रहा है तो पाशा को यही कोई मनसब दिलवा दे, इस तरह आप जाने पर मजबूर भी नहीं रहेंगी। अगर मैं उस कम नस्ल इंसान के पास दोबारा चली गई तो इसी अजाब से मर जाऊंगी। शहजादी, इसका कोई रास्ता नहीं, आका इसका हुक्म दे चुके हैं, हुरम ने भी तमाम हरम में चर्चा कर दिया है। शहजादी, मुस्तफा पाशा आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं वो। मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ मलिक। रुस्तम पाशा की गैर मौजूदगी में हमें मोहतात रहना होगा, आंखें खुली रखनी होंगी। कल का दिन अहम है, देखते हैं अमीरुल बहर पाशा क्या फैसला करते हैं। सलाह करते हैं तो ठीक है, वरना जंग। देखते हैं मलिक। वो नाज़नीन नामी खातून की निगरानी कर रहे हो ना तुम संबल? जी हाँ मलिक। संबल? जी मलिका। क्या हो गया तुम आखिर गुमसुम क्यों हो? हरम की जिम्मेदारियां हैं मलिका, और क्या हो सकता है? मुझे क्या मालूम, आखिर काफी दिनों से तुम्हारी हालत अजीब सी है, कोई परेशानी है क्या बताओ? इतने हादसों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, वो बिल्कुल थमने का नाम ही नहीं लेते। आखिर कब तक चलेगा ये सब ऐसे? तुम शिकायत कर रहे हो? हरगिज़ नहीं मलिका, अपनी हद से तजावुज करके आपको समझाना चाहता हूँ। हम सबको एतदाल से काम लेने की जरूरत है, कसम से एक कश्ती पर सवार हम कयामत की तरफ जा रहे हैं। आका की तलवार भी हमारे सर पे हर वक्त लहरा रही है, या तो उन लोगों का सर कलम होगा या फिर हमारा। रब से दुआ मांगती हूँ कि वो तलवार आका के हाथों में रहे हमेशा। अगर वो मुस्तफा के हाथ में चली गई तो क्या होगा ये जानते हो? वो एक एक के टुकड़े करके रख देगा। अल्लाह बचाए, मुझे पुराने महल भेज दिया जाएगा। ना ही मैं मलिका रहूंगी और ना ही ये ताकत, इसलिए सब्र करो, इस तलवार को हमारे सर पर लहराने दो। अगर मर भी गई तो एक मलिका की तरह मरूंगी। शहजादी, क्यों आए हो तुम? मेरे साथ चलने की तैयारी कहां तक पहुंची? आपके हमरा चलने के लिए मैं बेताब हूँ। तुम्हारी बेताबी मेरे लिए अहमियत नहीं रखती, मेरे आने के बाद खुशी मनाते रहे, एक मकतूब तक इरसाल करने की जहमत नहीं की। उसकी जगह मैं खुद आ गया हूँ, आपसे पुराना ताल्लुक उस्तवार करना चाहता हूँ मैं। तुम्हारी अय्यारी को खूब जानती हूँ मैं, सिर्फ ओहदा छीनने के खौफ से हुरम के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। शर्म और गैरत नहीं, कोई एहसास नहीं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ वापस चली जाऊंगी? वाकई मुझसे खता सरजद हुई, लेकिन आप भी बगैर बताए मुझे यहाँ आ गई। बखूबी जानता हूँ मैं ये बात कि सफर में कौन आपका हम सफर था। बेहुदा बातें मत करो, महल से अपने मुहाफिजों के साथ निकली थी। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है शहजादी। काश कि अपने वकार का सोच कर उस हादसे को आप मुझसे न छुपाती तो आज नौबत यहाँ तक न पहुँचती। तुम अपने अंजाम का सोचो पाशा, ये हरगिज मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम्हारा और मेरा ये साथ आरजी है। बहुत अच्छा है ये वाला, देखो कितना अच्छा लग रहा है। खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये खूबसूरत लग रहा है। अच्छा लग रहा है ये वाला, तुम ये वाला भी देख लो। ये लो, ये तो बहुत जचेगा। नीला वाला ज्यादा अच्छा है। हाँ वाकई ज्यादा, ये तो नया कपड़ा आया है ना। ये वैसे तो मुझे कपड़ा मेरे पास है, लेकिन इसका कपड़ा ज्यादा अच्छा है। लड़कियों क्या हो रहा है यहाँ, सब एक जगह जमा क्यों हो गई हो? तुम अपने लिए कपड़ा पसंद करो, मैं कुछ देर में आती हूँ। यहाँ क्यों आई हो तुम? कनीजों के लिए कपड़ा लेकर आई हूँ मैं, लेकिन काम तो बहाना था, सिर्फ आपको देखने के लिए आई थी। आप तो एक ताजर थे लेकिन हरम के आगे निकले। तुम्हें कैसे पता चला? आप उस शब अचानक चले गए थे तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं फिक्रमंद हो गई। बाजार में कुदरत साहब का जिक्र किया था ना आपने, उनकी दुकान पर गई थी, आपका हुलिया बताया तो उन्होंने यहाँ भेज दिया। अगर सब कुछ मालूम हो गया है तो फिर क्या लेने आई हो यहाँ? तुम्हें मेरी कमजोरी का पता चल गया, अब कैसे फायदा उठाऊं ये सोच रही हो तुम? कितनी अशरफियां चाहिए बताओ, लेकर चली जाओ यहाँ से। अफसोस की बात है आगा, मैंने उस रात अपने दिल का हाल आपको नहीं बताया था क्या? तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी, अब सूरत हाल का इल्म हो गया है, फिर आखिर क्या चाहती हो मुझसे? पहले सुनकर मैं हैरान रह गई थी, यकीन नहीं आया था, बाद में घर जाकर बहुत सोचा, मगर खुद को रोक न सकी। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अपनी आंखों से देख लिया ना, जिसने जो भी बताया वो दुरुस्त है खातून। ख्वाजा सरा हूँ मैं, ख्वाजा सरा, नहीं हो सकता ये प्यार, अब जाओ अपने रस्ते पे। आगा, मैं सिर्फ आपको देखने नहीं आई हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं ये जानना चाहती हूँ, आपकी आंखों में एक बार और झांकना चाहती हूँ। आप मुझे अच्छे लगते हैं, जान छिड़कती हूँ आप पर, मैंने आपको चाहा है और अब भी चाहती हूँ। ये नामुमकिन है खातून, चली जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, नामुमकिन, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, ऐसा होना नामुमकिन है। इस तरह से मेहरुन्निसा खातून को ढूंढना मुश्किल है, कम से कम शहजादे को वापस चले जाना चाहिए, महल से इतना दूर होना खतरनाक है। मैं भी ये सोच रहा हूँ अब्दुल्ला, बात भी कर चुका हूँ लेकिन वो मेरी नहीं सुन रहे।
बख्शी अली। मेहरुन निसा पहनती थी इसको। हम ठीक रास्ते पर हैं, जैसा कि अंदाजा था कि पाया तक गए वो लोग। फौरन घोड़ों पर सवार हो जाओ। शहजादे, सिपाही उनके पीछे जाएंगे, लेकिन आपको महल वापस जाना चाहिए। मेहरुन निसा जब तक नहीं मिल जाती महल नहीं जाऊंगा किसी भी सूरत। ये कुदाया रियासत जाएगा शहजादे रियासत के पास। फातिमा सुल्तान को खबर है, वो जानती है ना। शहजादी खुद अपने मसलों में उलझी हुई है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। जैसे आपकी आरजू हो। एहतियात करना मैले, किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए ये। बा अदब, शहजादे जहांगीर तशरीफ ला रहे हैं। शहजादे खुश आमदीद। और जहां मैंने जो किताब दी थी तुमने उसका मुताला किया? बिल्कुल मुताला कर लिया जहांगीर। तुम ले सकते हो लेकिन मुझे दूसरी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह बहुत खूबसूरत। प्यार करने वाले दो दिल एक दूसरे से मिल ना सके, इसका दुख है मुझे। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। ऐसी भी किताबें हैं जिनका अंजाम अच्छा है, बहुत सी कहानियां हैं। काश की जिंदगी इन कहानियों की तरह खूबसूरत हो सकती। आशिक मिल जाते, हक जीत जाता, बातिल हार जाता, तो ये जहां कितना खूबसूरत हो जाता। मालूम नहीं, मेरा ख्याल है बहुत बेकैफ हो जाता सब कुछ। ये क्या है? ये मुझे। माजरत, बहुत खास तफ्ती है मेरी, किसी को दिखा नहीं सकती मैं। मेरे पास भी एक ऐसी दफ्ती है, जब मेरे अतराफ में कोई नहीं होता जैसे कि अक्सर होता है, तो मैं भी अपनी दफ्ती में लिखता रहता हूं अपने जज्बात, अपनी बातें। क्या ये भी ऐसी है? हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझसे सांस लेना पसंद करोगे जहांगीर? क्यों नहीं। खैरियत तो है साहब, लेकिन ये ज्यादा है। हाँ रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। अल्लाह आपको खुश रखे साहब। पहले आपको कभी नहीं देखा, मनीषा के नहीं है आप लगता है। इजमीर से आ रहा हूँ। पिछले दिनों एक हादसा हुआ था यहाँ, सुना है एक दुकानदार को मार दिया गया था, क्या ये सच है? सच है साहब, मेरा रिश्तेदार था, बुरा हुआ उस बेचारे के साथ, अल्लाह रहम फरमाए। आमीन। उम्मीद है कातिलों को पकड़ लिया गया होगा। नहीं पकड़े गए साहब, इतने बड़े शहजादे को कौन सजा देगा। लेकिन उस कातिल का शहजादे से क्या वास्ता? वो भेस बदल कर बाजार में आए थे, अब कौन जानता है कि वो शहजादे हैं। हर किसी के बारे में बातें हो रही थी, मरहूम ने भी एक बात कह दी तो बर्दाश्त ना हो सका उनसे, इस वजह से मार दिया। क्या कहा था उसने? मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई भी पसंद नहीं करता शहजादे सलीम को यहाँ। गुनाह मोल लेना नहीं चाहता, सारा दिन मदहोश रहते हैं, उन्हें तो अपना भी होश नहीं होता। अशर्फियाँ देकर अपने लिए नारे लगवाने वाले शहजादे से क्या खैर मिलेगी? सुल्तान सुलेमान जैसे बाप की औलाद ऐसी होगी। अफसोस है, वो हूरम नाम की रूसी जादूकरनी पर गया है, जाहिर है। चलो चलो, सलामत रहो आका, सलामत रहो। अल्लाह के हवाले। सुना आपने लाला, कैसे कारनामे जानती है ब्रदर ने? देखिए मेरी एक बात सुने, इतनी मालूमत काफी है, हमें अब चलना चाहिए। हर कोई एक ही बात कह रहा है, अगर आका ये सब सुनेंगे तो खुद इसका कोई हल निकाल लेंगे। जल्दी मत करो लाला, अभी काम खत्म नहीं हुआ। तुम्हें क्या बताया गया मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे शौहर ने खंजर निकाला था, आगा भी मजबूर हो गए उसे मारने के लिए। माजरत शहजादे, लेकिन यह हादसा कभी भी पेश ना आता अगर आप उसे रोक लेते। जो होना था वो हो गया खातून, मौत लाइलाज है,
मैं शहजादे की हैसियत से तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम मेरी सरपरस्ती में रहोगी। शिकायत वापस ले लो ताकि ये मसला खत्म हो जाए। मैंने अपने वादे के मुताबिक शिकायत वापस ले ली है शहजादे। कौन से वादे की बात कर रही हो तुम? आपकी मंजूर नजर नूरबानो खातून आई थी, उन्होंने मुझे नसीहत की थी कि इस मसले से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। गजनफर आगा ने भी जाकर बात की थी तुमसे, उस वक्त ये फैसला क्यों नहीं किया था तुमने? कैसा बात करना शहजादे, मुझे तो धमकी दी थी। वैसे भी अगर पहले मेरी बात सुन लेते तो ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी मंजूर नजर नूरबानो खातून ने तरीके से बात की मुझसे। वो अच्छी हैं, उनकी नजरों में सच्चाई थी। मैंने नहीं भेजा था। वो आपसे छुपकर आई थी, ये आश्कार है। हरम से निकलना आसान नहीं होता, जान की भी परवाह नहीं की उन्होंने। नूरबानो खातून ने तुमसे जो भी वादा किया था मुझे कबूल है। इसके अलावा तुम्हें अच्छी आमदनी वाली जमीन भी दी जाएगी, वहां अपनी औलाद के साथ सुकून और हिफाजत से जिंदगी गुजारोगी तुम। अब जा सकती हो तुम। शहजादे मैंने नरमी से बात करना चाही थी, लेकिन जाओ और काजी से बात करो, मसला खत्म हो गया, बता दो जाकर उनको। आपका जो हुक्म शहजादे। फारिहा खातून, कैसी हो तुम खातून? तुम्हें इस हालत में खाने पीने में एहतियात बरतनी चाहिए। फारिहा कल्फा, बात करने दो आगा, दो बातें भी नहीं की मैंने। अफीफा खातून ने हिदायत दी है। हुरम सुल्तान ने भेजा है मुझे यहाँ, वो खातून से मिलना चाहती हैं। तुम आओ मेरे साथ। नामुमकिन, नहीं आ सकती, पाबंदी है। कौन जरूरत कर सकता है हुरम सुल्तान से मिलने पर पाबंदी लगाने की। घबराओ नहीं, तुम्हारी जान लेना चाहती तो इस तरह दिल में नहीं बुलाती। चलो आओ। शहजादी, हुरम सुल्तान ने भेजा है मुझे आपके पास। शाम को उन्होंने अपने कमरे में एक महफिल का इनेकाद किया है, आप तशरीफ लाएंगी तो उन्हें बेहद मुसर्रत होगी। कोई मौका नहीं, कोई त्यौहार नहीं, इस जश्न की क्या जरूरत थी आखिर? मेरा ख्याल है कि आपकी अपने खावन के साथ रवानगी के सबब जश्न मनाना चाह रही हैं। तशरीफ लाएंगी क्या शहजादी? क्या कहूँ मैं उनसे? जरूर आऊंगी। आप जा सकती हैं अफीफा खातून। देख रही हो चालाकियां हुरम की, अपने दानिश में मेरा मजाक उड़ा रही है। वो जितना चाहे मजाक उड़ा लें शहजादी, उन्हें आपकी जानिब से बाहर सूरज जवाब दिया जाएगा। अपनी सेहत की तरफ से लापरवाही तो नहीं कर रही हो ना? क्या तबीबा मायना कर रही है? जी हाँ कर रही है मलिका। यह अच्छी बात है, तुम एहतियात बरतो, घूमने फिरने में भी एहतियात करना सरा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी सबब तिफिल को नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इसी तिफिल की वजह से है। कैसे जहर आलूद बातें भर रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है खातून। मैं इब्तदा में कुछ भरम जरूर थी, क्योंकि तुमने ये मुझसे छुपके किया। माजरत चाहती हूं। जाहिर है तुम भी कनीज हो एक,
और हर कनीज की तरह तुम्हारे भी कुछ ख्वाब हैं। उम्मीद से होना, शहजादे से नवाजना, मलिका बनना। अगर अकल से काम लोगी तो इन ख्वाबों की तकमील में मुश्किल नहीं होगी। मलिका मुझसे क्या चाहती हैं आप? फातिमा सुल्तान से दूर रहो, काफी है। अपने आप को मेरे खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत ना दो। वो तो अनकरीब चली जाएंगी यहाँ से। मैं कई बरसों से इस हरम में हूं, यहां कोई चीज मुस्तकिल नहीं होती। तुम आखिरी लम्हे तक यहां किसी भी चीज का यकीन नहीं कर सकते। तुम जा सकती हो खातून। काम हो गया क्या? जी हाँ, काम हो गया मलिका। दवा में जहर मिला दिया है। हर शब सोने से पहले वो दवा जरूर लेती है। खैरियत होगी अल्लाह की रजा से। आखिर कौन सा मसला दरपेश है? एक मुकदमे के हवाले से बाज बातें मेरी समाज तक पहुंची हैं काजी साहब। असल हकीकत क्या है हम ये मालूम करना चाहते थे। किस मसले के बारे में? वो जो दुकानदार बाजार में मर गया था उसके बारे में। हमने सुना है कि वो मुकदमा बिल्कुल शुरू नहीं हो सका, और ये भी सुना है कि शहजादे ने उस मुकदमे को पसे पुश्त करवा दिया। आप काजी के ऐवान में मौजूद हैं साहब, क्या आप ये बात नहीं जानते कि यहां बादशाह भी खड़ा हो तो कोई फायदा नहीं? यहां पर हर कोई बराबर है। अगर ऐसा ही है तो क्यों नहीं सुना गया वो मुकदमा? तुम कौन होते हो इस तरह से मुझसे सवाल पूछने वाले? माजरत चाहता हूं काजी साहब, हमारी नजर में आपका मुकाम और मर्तबा बुलंद है। हम तो सिर्फ यहां बाज अफवाहें सुनकर आपसे मालूमात करने चले आए। दुरुस्त, और हमारी मंजिल इस्तांबुल है, और कौन जाने शायद काजी हाकिम साहब से भी हमारी मुलाकात हो जाए वहां। मुझे यकीन है ये वाकया वो भी जानना चाहेंगे। मैंने तो कानून की रूह से मुकदमा सुनना शुरू कर दिया था, लेकिन कत्ल होने वाले की जौजा कैसर खातून ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया है। मुकदमा भी इसी बाइस खत्म हो गया। मगर आप ये कैसे कबूल कर सकते हैं काजी साहब? इतने चश्मदीद गवाहों के होते हुए क्या तफ्तीश की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन इस मसले की मैंने खुद छानबीन की है। शहजादे ने अपना भेष बदला हुआ था। मकतूल दुकानदार ने खंजर निकालकर जब शहजादे पर हमला किया तो उन्हें बचाने की खातिर शहजादे के मुहाफिजों ने उस दुकानदार को मार दिया। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि एक शहजादा अपना भेष बदलकर अपनी हकीकत जाहिर नहीं कर सकता, कोई फितना पपा नहीं कर सकता। उस दुकानदार ने क्या बिला सबब खंजर निकाल लिया था? इस सियाह जिल्द वाली किताब में तहरीर किया जा चुका है। दोनों फरीकीन ने आपस में समझौता कर लिया, देर भी अदा की जा चुकी है। सुल्तान सुलेमान का इंसाफ ये नहीं है काजी साहब। लगता है धमकी देकर खामोश करवा दिया गया उस खातून को, वरना क्यों वापस लेती वो अपनी शिकायत? उससे मैं खुद गुफ्तगु कर चुका हूँ। सल्तनत आलिया के कानून की रूह से उसके बच्चों की हिफाजत का पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन ये सब खातून के इसरार पर हुआ है। शहजादे ने भी उस खातून को उसके शोहर के कत्ल के एवज अशर्फियाँ अदा की है। सोने की अशर्फियाँ लेकर इसीलिए आपने भी खामोशी अख्तियार कर ली। खामोश हो जाओ, अगर एक लफ्ज भी मजीद कहा तो तुम्हें जिंदान में बंद करवा दूंगा। काजी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि आखिरकार एक शहजादे की हिफाजत हर चीज पर मुकदम है। हमें दोनों फरकैन के समझौते के बाद बात करने का कोई हक नहीं। माजरत, आपको हमने जहमत दी काजी साहब। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप क्या कर रहे थे शहजादे? सुकून रहिए। आपने सुन लिया जो उसने कहा? सलीम ने अशरफियों से सबको खरीद लिया। इसमें काजी साहब का कोई गुनाह नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं, कानून यही कहता है। क्या होगा फिर लाला, सलीम का गुनाह क्या छुप जाएगा? देखते हैं। दरअसल हादसे का इस तरह रोनुमा होना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आका के इंसाफ की रूह से ऐसे गुनाह से कोई भी नहीं बच सकता।
सलीम की जानिब से अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं सुलेमान। मनीसा की अवाम ने नहायत पुरतपाक इस्तकबाल किया है उसका। मेरा पिसर खुद को जानशीन साबित करके दिखाएगा मनीसा में, ये जाहिर है। इंशाल्लाह। बयाजत भी ऐसा ही है। कोठाया में सब उसकी खिदमात के मोतरफ हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं वहां पर। मेरा पिसर बिल्कुल आपकी तरह है, जंगजू है। शहजादे मुस्तफा की कोई खबर नहीं है क्या? मेरे आका अमीरुल बहर खिजर खैरुद्दीन पाशा तशरीफ लाए हैं। आने दो। आका, मलिका, खुशामदीद अमीरुल बहर पाशा। पाशा आका, इजाजत दीजिए, मैं कमरे में जाना चाहूंगी। अगर आप ठहरना चाहें तो ठहर जाए मलिका, क्योंकि मैं आपको भी अलविदा कहने आया हूं। कैसा अलविदा अमीरुल बहर पाशा? तुम्हें मौसम सरमा यहीं गुजारने का हुक्म दिया था। आका, मैं अपने मकाम और मर्तबे से फौरी तौर पर सबकदोश होना चाहता हूं। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं बरसों से बदिलो जा जो फरीजा अदा करता आ रहा हूं उसे छोड़ना चाहता हूं। खैरियत तो है अमीरुल बहर पाशा, आखिर अचानक क्या जरूरत पेश आ गई सुगुपदोष होने की? अब मुझे मेरी सेहत इजाजत नहीं देती आका, आप जानते हैं उम्र का भी तकाज़ा है। ये सुनकर अफसोस हुआ पाशा, अल्लाह की रजा से कोई परेशानी लाहक नहीं होगी। हकीम काफी अच्छे से मेरा मुआयना कर रहे हैं लेकिन मर्ज क्या है अब तक मालूम नहीं हो सका। तुम जा सकती हो राम। कैसा मर्ज है वो, मुझे अब तक खबर क्यों नहीं दी? अपने मर्ज का बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहता था आका, मैंने सोचा था ठीक हो जाऊंगा लेकिन कल मैं बेहोश हो गया। एक लम्हे के लिए सारी दुनिया खत्म हो गई और कुछ बाकी न रहा। मेरे खसूसी हकीम से अपना मुआयना करवाओ, जरूर कोई ना कोई इलाज होगा उस मर्ज का। हकीमों ने आराम करने का मशवरा दिया है आका और मुझे जहाज पर भी जाने से रोक दिया गया है। मेरे लिए ऐसी हालत में इतना आम ओहदा संभालना मुमकिन नहीं रहा। मैं चाहता हूं ऐसी हालत में इस ओहदे से सबकदोशी इख्तियार कर ली जाए। खुदा का शुक्र है कि इस बेरी बेड़े की हिफाजत के लिए साले जैसे तुर्कत जैसे जगियाज रईस मौजूद है। असल अहमियत तुम्हारी सेहत की है अमीरुल बहर पाशा, पहले तुम्हारी बीमारी क्या है ये मालूम कर ले, उसके बाद जो जरूरी हुआ वो बहरहाल जरूर किया जाएगा। आप जैसा मुनासिब समझे आकर। बहरुन्निसा खातून अब तक क्या कर रही थी अलसिया में? वो मजीद कयाम करना चाहती थी वहाँ, काश के वो मेरे हमरा ही आ जाती। पाशा की सूरत हाल क्या है, उन्होंने क्या फैसला किया? वो महल जाएंगे और अपनी बरतरफी का मुतालबा करेंगे। हम सब अपनी जान फिदा कर रहे हैं और पाशा अपनी दुख्तों की खातिर इस मकसद से मुंह मोड़ रहे हैं। उनका ख्याल है कि वो खुद फिदा होकर शहजादे मुस्तफा और अपनी दुख्तर को बचा लेंगे। उन्होंने बहरी बेड़े की कमान छोड़ दी तो किसी को भी नहीं बचा सकेंगे, क्या वो ये नहीं जानते? अब भी उम्मीद बाकी है। उनकी दुख्तर कहाँ है ये हमें फौरन मालूम करना होगा। खातून से बात करो, फौरन से पेशतर वो किसी भी तरह ये मालूम करे।
कह रहे हो तुम गजनफर, क्या तुम्हें यकीन है कि वो ब्याजत ही था? मैंने अपनी आंखों से देखा है शहजादे, लाला मुस्तफा भी उनके हमरा थे। ब्याजत? लगता है उन्हें सब कुछ मालूम हो गया, वो पहली फुर्सत में ये मामला आका तक पहुंचा देंगे। वो कहाँ है अभी? एक आका को उनके ताकुब पर मामूर किया है, वो कोथाया वापिस जा रहे हैं लगता है। इस अचानक फैसले का क्या सबब है मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है मूरे सल्तनत से मेरा दस्तबरदार होना हर एक के लिए अच्छा होगा, क्यों ऐसा ही है ना मलिका? ऐसा ही है बिल्कुल, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। लेकिन आका, आपके इसी साजिश में मुलव्वस होने के बावजूद भी आपके लिए मोहब्बत और इज्जत के जज्बात रखते हैं, अगर उन्होंने कबूल नहीं किया? मैं उन्हें कायल करने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर मेरी दुख्तर मुझे मिल गई तो। जिस दिन आपकी बर्तरफी कबूल होगी उस दिन आपकी दुख्तर आपके पास आकर आपको जरूर तसल्ली देगी। मेरे आका, मैं आपसे मुलाकात के लिए आई हूँ। पायबाग जा रहा हूँ, कोई खास बात है? अपनी रवानगी के हवाले से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन अगर आप मसरूफ हैं। आओ साथ चलते हैं। बेअज़त, मुझसे मुलाकात किए बगैर ही जाने का इरादा था क्या? रुस्तम पाशा भी चले गए, अल्लाह जल्द वापस लाए शहजादी। आमीन। शहजादी, अगर पाशा के वापस लौटने तक आप यहीं कयाम करें तो बहुत खूब होगा। अगर जरूरत हुई तो आ जाऊंगी। शहजादी, मुझे बहुत खुशी हुई आप आ गई, शुक्रगुजार हूँ। मेरे बगैर कोई जश्न नहीं हो सकता, इसलिए मैं आ गई। हूर जहां, कैसी हो तुम? महल में खुश होगी अल्लाह की रजा से। शहजादा जहांगीर के होते हुए ना खुश रहना मुमकिन नहीं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। खूब। शहजादी, आपकी रवानगी की तैयारी मुकम्मल कर ली है, आका से भी बात हो चुकी है। अल्लाह की रजा से आने वाले आइंदा हफ्ते आप रवाना हो जाएंगी। खबर नहीं क्या तुम्हें, आका ने रवानगी मौखर कर दी है। आखिर बरसों बाद आई हूँ, इसलिए आका ने रोक लिया मुझे। मौसम सरमा की भी आमद है, किस्मत में हुआ तो पाई बाग में मौसम बहार देखूंगी। चलो, बुतों की तरह खड़ी क्यों हो, रक्स करो, मौसीकी बजाओ। आइए खाना तनावल कीजिए।
अपने अदराव से घबराने वाला इंसान दूसरों से आखिर क्या वजाहत कर सकता है। आतिश इश्क अक्सर कर देती है, जलते हुए दिल के साथ सबके सामने मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। अपने यहाँ आमद से पहले मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत करना एक खता है, एक जुर्म है। शिकार के लिए निकले और जंगल में रास्ता भूल गए। कहीं तुम कोई साजिश करने के लिए तो नहीं आए थे? मेरा खुद से मवाजना मत करो। जो हकीकत है तुम्हें बता चुका हूं, इसके सिवा कोई बात नहीं। फिर तुम्हें जासूसों की तरह आने की क्या जरूरत थी मेरे बिरादर? अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हें बता देता। इसी बाई हादसे पर पर्दा डाल दिया। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। उस दुकानदार ने तुम्हें आखिर क्या कहा था जो तुम आपे से बाहर हो गए? वालिदा के मुतालिक नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, इस वजह से। मैं बाजार के एक एक दुकानदार से बात कर चुका हूं सलीम। काश के शहजादा मुस्तफा या फिर शहजादा बियाजत यहां आ जाते, ये कहा था उस शख्स ने। महल में बंद रहने वाला, खवातीन की झुरमट में रहने वाला मधोश सलीम क्यों आया है? तुम्हें ऐसी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मनीषा के आवाम मुझे पसंद करते हैं। मेरे लिए आने वाले तहाइफ का कोई शुमार नहीं। जिस वक्त भी शहर में निकलता हूं, आवाम वाले हाना इस्तकबाल करते हैं मेरा। हाँ, जो अशरफियों के वस्त तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। कैसी अशरफियां? तुम छुपाने की कोशिश मत करो सली। सब जानता हूँ कि तुम अपनी खातिर तालियां बजाने और नमाज जुम्मा के बाद जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों को अशरफियां देकर बुलवाते हो। मैं समझ रही थी आपके साथ समझौता हो जाएगा। समझौता हो सकता था अगर तुम मेरी रवानगी की बात न करती। कोई ना कोई रास्ता निकल सकता था। आप क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मुझे जरा भी नुकसान पहुंचा तो आपके सारे राज हर कोई जान जाएगा। मुझे एक दिन बाहर हाल जाना तो है हुरम, लेकिन जो यहां रहेंगे तुम उनका सोचो। अनकरीब एक शहजादा पैदा होगा और तुम्हारी हुकूमत खत्म होगी। मैं तुम्हारी जगह होती तो खुद को मुस्तहकम करती, तुम्हारी तरह कमजोर नहीं पड़ती। वालिदा इजाजत दे, मैं जाना चाहूंगी। हुमा शाह मेरे बगैर नहीं सोती। अरे ठहरो मेहरमा, अफीफा खातून आप जाइए और हुमा शाह को हमारे पास ले आइए। मैंने भी कहा था लेकिन शहजादी नहीं चाहती। आप तशरीफ लाइए शहजादी। आपको अपने महल में मधु करना चाहती हूँ मैं। तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ कैसे मुमकिन है? और रुस्तम की गैर मौजूदगी में काफी वक्त मिलेगा, सारी रात बातें करेंगे, खूब रहेगा। इतना भी खूब नहीं होगा शहजादी, सारी उम्र लुत्फ लेते हुए तो नहीं गुजारी जा सकती। और अब आपके खावंद भी यहाँ हैं, उनके बारे में सोच रहे। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, वालिदा भी ऐसे ही कहा करती थी। काश के आपने मरहूमा वालिदा की बातों पर ध्यान दिया होता तो अपने शोहर से ताल्लुकात खराब न करती। शहजादी, मैं भी आपके हमराह महल तक चलती हूँ। तुम चाहे जो कुछ कह लो, मेरा दिल नहीं जला सकते ब्रादर। ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूँ। बिल्कुल, तुम कितने बेजमीर शख्स हो जानता हूँ मैं। मुझसे तुम्हें जो नफरत है उससे कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ, मुझे डर है इसका। तुम दरअसल अपने बारे में सोचो सलीम, आज नहीं तो कल आका को यह सूरतेहाल मालूम हो ही जाएगी। इंसाफ को तुमने कैसे नजरअंदाज किया है, वो जान ही जाएंगे। क्या तुम बताओगे उन्हें? क्या फर्क पड़ता है, अहमियत उन्हें मालूम होने की है। दुरुस्त कह रहे हो तुम बिरादर, लेकिन उनके इल्म में लाने के लिए कुछ और भी मसाइल हैं। मसलन तुम्हारा छुपकर अपनी रियासत से बाहर निकलना और मनीषा तशरीफ लाना और आकर अपने बिरादर की रियासत में उसकी जासूसी करना। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उसूल और जवाबत याद दिला रहा हूं।
एक शहजादा पाया तख्त से इजाजत लिए बगैर रियासत से बाहर नहीं जा सकता और दूसरी रियासत में तो कतई नहीं जा सकता, और तुमने ऐसा ही किया है। तुम मुझे खामोश रखना चाहते हो, क्यों है ना? अब तुम मेरे महल में आ चुके हो बिरादर, शाहाना अंदाज से कयाम करो, यहां सैर करेंगे, शिकार पर जाएंगे, फिर तुम अपने छोटे से महल वापस चले जाना। तुम्हारे पास में एक शब्द भी कयाम करना नहीं चाहता। ब्याजत, आका ने तुम्हारी जगह मुझे मनीषा क्यों भेजा क्या तुम जानते हो? क्योंकि तुम अभी तक एक तिफल हो और तुम कभी बड़े नहीं होगे, सिर्फ यही वजह है। शहजादे, चलते हैं लाला। क्या बातचीत हुई आपकी? सवाल मत पूछो लाला, बाद में वजाहत कर दूंगा। मेरा ख्याल आ गया तुम्हें, किस लिए आए हो तुम यहां? शहजादे से मैंने पूछा है, अगर आप नूर बानो खातून से मिलना नहीं चाहते तो उनका जिंदान में रहना मुनासिब नहीं है, भेज देना बेहतर रहेगा। क्या कहा? बताओ ना क्या जवाब दिया उन्होंने? तुम्हें कहीं भी भेज दूं ये कहा है, बस वो मुझे दिखाई ना दे। ऐसा नहीं हो सकता, शहजादे मुझसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते वो। और क्या चाहती हो तुम खातून? तुम आजाद हो जाओगी तो मैं वैनेदिक भेज दूंगा। ये जाकर महमूद आगा को देना, वो जहां है अभी वहीं पर रहे। खिजर खैरुद्दीन पाशा की सुबकदोशी का फैसला होने तक वो कतन उस खातून को ना छोड़े। कल सुबह तक इसे पहुंचा दूंगा मलिका। ध्यान रखना महल के कासिद को मत भेजना, किसी और बातमान शख्स को भेजना। इसके अलावा दरबान मेहमत आगा से कहो मुनासिब वक्त पर मेरे पास आए, मुझे कुछ बात करनी है। आपका जो हुक्म मलिका। मैं आज गई थी उनके पास, वो मुझे मार देंगी ये सोचकर डर गई थी। उन्होंने क्या कहा, क्या चाहती हैं वो तुमसे? फातिमा सुल्तान से दूर रहना। मैं अब क्या करूंगी, शहजादी भी चली जाएंगी। उनकी रवानगी में ताखीर है, वो बाहर तक यहीं रहेंगी, तुम्हारा तिफ़ होने से पहले वो नहीं जाएंगी यहाँ से। नाज़नीन खातून, क्या मैंने आपको आराम करने का नहीं कहा था? करूंगी कुछ देर में। दवा लेने में लापरवाही तो नहीं कर रही? नहीं कर रही, फिक्रमंद ना हो। लो, पहन लो ये। क्या वाकई मुझे भेज रहे हो? भेज रहा हूँ खातून, एक आगा तुम्हें इजमिर पहुंचा देगा, साकिस जजीरे जाने वाले पहले जहाज पर सवार हो जाओगी, बाकी सब तुम पर है, काफी मकदार में अशरफियां होंगी। क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? हम दोनों एक ही सरजमीन पर पैदा हुए, मैं भी तुम्हारी तरह वैंदिक से हूं। इसके अलावा पसंद करता हूं तुम्हें, तुम समझदार हो, बाहिम्मत हो, और सबसे अहम ये कि तुम बाजमीर हो। इस हादसे में मेरा नाम लेकर खुद को बचा सकती थी तुम, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरी भी कोशिश थी कि तुम्हें फायदा पहुंचा सकूं। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये लो, पहन लो इसे। जरूरत नहीं है,
मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम अपनी अक्ल खो बैठी हो क्या? बहने दिख जाओगी तुम अपने अहले खाना के पास। मेरा अपना कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। कैसे नहीं, मुझे बापू खानदान का बताया था, सब कुछ झूठ था क्या? वो झूठ नहीं, मैं वैनियर खानदान से भी हूँ और बापू से भी। अम्मी और बाबा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे पर जान निछावर करते थे, इतनी कि उनकी शादी ना होने के बावजूद मैं दुनिया में आ गई उनकी ख्वाहिश के बरक्स। अम्मी बहुत प्यार करती थी मुझसे, मेरी तरबियत भी बेहतरीन अंदाज में की, लेकिन दोनों तरफ के लोगों ने कबूल नहीं किया, मुझे मोहब्बत ना मिल सकी, घुलने मिलने नहीं दिया गया मुझे, और खानदान से भी कट गई मैं। लेकिन कोई रिश्तेदार तो जिंदा होगा, तुम्हें उन लोगों की जरूरत भी क्या है? तुम्हारे पास इतनी अशर्फियां होंगी कि तुम अपनी पूरी जिंदगी सुकून से गुजारो। नहीं जा सकती मैं, चाहकर भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? शहजादे को चाहती हूँ मैं, उन पे फरिश्ता हूँ, जान निछावर करती हूँ, उनके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये लो, शहजादे के कमरे में रख देना, वो मुझे भूल गए लेकिन शायद इसे देखकर मेरी याद आ जाए। पिछले दिनों मैं अहमद के मजार पर गई थी, उसकी कब्र को चूमा, राहत नसीब हुई, लेकिन दिल उदास हो गया। महमद की पैदाइश के दिन मैंने ख्वाब देखा था, वो मासूमियत से तख्त पर सो रहा था, नूर की तरह मासूम चेहरा था, मैं समझा वही तख्त नशीन होगा, लेकिन मेरे रब ने शायद मेरे नसीब में मेरी औलाद का दुख लिखा था। अब एक और औलाद होगी मेरी, कई बरसों के बाद एक और औलाद। हर दिन अपने रब से उसकी सेहतमंद पैदा होने की दुआएं करता हूं रम। औलाद के दुख में जिस अंधेरी खाई में गिरा था उससे शायद मुझे निकालने के लिए अजीम रब ने मेरी जानिब हाथ बढ़ाया है। इजाजत दे हुरम, मेरी इन बातों से तुम्हें दुख पहुंचा है क्या? हरगिज नहीं, ऐसा क्यों होगा? जहांगीर से वादा किया था, मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं दोबारा आ जाऊंगी। काफी देर से नहीं देखा मलिका, मालूमात नहीं कहां क्या है। जिस वक्त उसकी जरूरत होती है वो कभी नहीं मिलता। मलिका फारिया यहाँ, फौरन कनीज के कमरे में जाओ, खातून को वो दवा पीने से रोको। कहीं वो पीकर सोना चुकी है। जो कह रही हूँ वो करो फौरन। नाज़नीन खातून, क्या हुआ? छोड़ो इसे, हरगिज़ ना पीना इस दवा को। फारिया कालफा। ओहो, तुम अब मेरी जान छोड़ दो। तबीबा ने भेजा है मुझे, उसने कहा है कि दवा को बदलना होगा। तुमने ये पी तो नहीं? पी तो नहीं, लेकिन शाम को तबीबा आई थी, उसने कहा था कि लाजमन पीनी। मुझे ये कैसे मालूम होगा खातून, जाओ खुद जाकर पूछ लो। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं। तुम यहाँ इसके पास क्या करने आई हो? दरअसल खातून की दवा बदलने के लिए आई थी मैं यहाँ, ये पुरानी हो गई है,
माशाल्लाह, कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। अगर तुम दोबारा इस कमरे में नजर आए तो ये पुरानी दवा तुम्हें पिला दूंगी, समझ गई? मेरे लिए पैगाम भेजा तुमने? हाँ, पैगाम भेजा था, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी आपके आने की। कसम से मुझे भी नहीं मालूम कैसे आ गया हूँ, क्यों आया हूँ। एक लम्हा, शहजादे मोहतरम, दरबार का वक्त हो गया है, बेदार होने की जरूरत है, फौरन आपको तैयार होना है। नूर बानो, उठ जाओ, खाना तैयार है, हमाम भी जाना होगा तुम्हें। अल्लाह हिफाजत फरमाना हमारी। नूर बानो, नूर बानो, क्या हुआ है तुम्हें? नूर बानो, नूर बानो, आंखें खोलो। आपको सुबह बखैर हो आगा। कसम से उठने को जी नहीं जा रहा। मेरी सुबह रोशन और पुरनूर है खातून। मेरी जौहर, तुम्हारी मौजूदगी में अंधेरा हो सकता है क्या कभी? अरे क्या हो गया?
जरूरी काम है, मुझे फौरन बाजार जाना है, देर हो गई तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। हे अल्लाह, तुम्हारे साथ रहते मैं तो अपने होश ही गवा बैठा। ऐसा नाश्ता बनाऊंगी आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कसम से मैं नाश्ता करता लेकिन अभी नहीं, किसी और वक्त। फिर कब आएंगे आप? मैं अगर ना भी चाहूँ तो मेरे कदम खुद ब खुद मुझे यहाँ ले आते हैं। मेरी प्यारी जौहर, फिक्र मत करना, हम फिर मिलेंगे, तुम आराम करो यहाँ पे। मलिका, दरमान मेहमत आगा तशरीफ लाए हैं। मलिका। मेहमत आगा, मैंने सुना है सोकलू कहा जाता है तुम्हें एंद्रन में। मेरे अहले खाना विशगिरात काजासीना के करीब सोकलो गांव में रहते हैं, इसकी वजह से मुझे ये कहा जाता है। मतलब कि हर्सी गोविना के दयार से हो तुम। रुस्तम पाशा ने बहुत तारीफ की थी तुम्हारी, उनकी खैर मौजूदगी में जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। पाशा मोहतरम का लुत्फ करम है, फरीजा अहम है, अगर कामयाब हो गए तो तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे, तुम भी रुस्तम पाशा की तरह बुलंद मुकाम तक पहुंच जाओगे। मकाम और मनसब अहम नहीं है मलिका, आपकी खुशनूदी हासिल हो मेरे लिए बेश कीमत तोहफा यही है। शेखुल इस्लाम फिनेरी जादे साहब को उनके मनसब से हटाना चाहती हूँ। इस काम को अंजाम देने के दो रास्ते हैं, या तो वो अल्लाह की रहमत में चले जाएं, या फिर सुबकदोश हो जाएं। तुम्हारे ख्याल में कौन सा रास्ता मुनासिब है? सबसे बेहतर आप जानती हैं मलिका, लेकिन मेरी राय में अगर वो सुबकदोशी का मुतालबा करें तो वो ज्यादा बेहतर है। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन इसका इम्कान नहीं। हाँ, अगर उन्हें मजबूर कर दिया जाए। हर किसी की कोई पोशीदा कमजोरी जरूर होती है मलिका, खास तौर पर ऐसे मकाम के मालिक इंसानों की। अगर आप इजाजत दें तो तहकीक करूं, अगर कहीं कोई कमजोरी होगी तो हमें वो मालूम हो जाएगी यकीनन, और उसे आपके सामने ले आऊंगा मैं। और अगर ऐसा ना हो? वरना फिर हम खुद कोई कमजोरी ईजाद कर लेंगे। इस जगह दरबार हुमायूं के पुराने कागजात रखे जाते हैं आगा, आप यहां पर नहीं ठहर सकते। मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं ठहरा, रुस्तम पाशा ने बोस्निया हर्जेगोविना जाने से पहले मुझे खुद मोहर लगाकर यह दिया था। तो ये पहले बताते ना आगा, जिन कागजात को आप ढूंढ रहे हैं वो यही हैं। शेखुल इस्लाम साहब की तहरीर करदा तमाम किताबों की नकल और उनके तमाम फैसलों की नकल इसी जगह मौजूद है। वैसे कितनी देर ठहरेंगे आप? तुम जाकर खाना खाओ, मैं ज्यादा देर ठहरूंगा। सलीम, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, कैसी हो? मैं
यहाँ कौन लाया मुझे? क्या ख्वाब देख रही हूँ? तुम जंदान में बेहोश हो गई थी, मैंने यहाँ बुलवा लिया। तबीबा मुआयना कर चुकी है। मुझे क्या हुआ था? कुछ भी याद नहीं है मुझे। तुम उम्मीद से हो खातून, तुम मेरे तिफल की मां बनने वाली हो। आप अभी तक यही है सुकुल्लू साहब? घंटों से जो ढूंढ रहे थे क्या नहीं मिला? आपको क्या नींद भी नहीं आती? कब्र में तो वैसे भी गहरी नींद करनी है, कम से कम दुनिया में तो आंखें खुली रखूं।